पहली बार ग्रैंड आसनसोल प्रीमियम लीग का आयोजन। ग्रैंड आसनसोल प्रीमियम लीग के लिए आसनसोल के द ग्रैंड होटल में खिलाड़ियों का ऑक्शन का आयोजन किया गया। इस ऑक्शन में शिल्पांचल की 10 फ्रेंचाइजी ने भाग लिया। 350 खिलाड़ियों ने ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन किया था, जिनमें से 270 खिलाड़ियों का ऑक्शन के लिए चयन किया गया है, जिसमें खिलाड़ियों को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला नॉर्मल, जिनका बेस प्राइस 500 रुपये, और दूसरा आइकॉन, जिनका बेस प्राइस 1000 रुपये रखा गया है। एक फ्रेंचाइजी 25,000 में 14 खिलाड़ियों को खरीद सकती है। न्यूज लिखने तक सबसे अधिक ऑक्शन कुल्टी के राकेश साव को रॉयल चैलेंजर्स हयात ने 8,100 रुपये में बोली लगाई। इस अवसर पर ग्रैंड आसनसोल प्रीमियम लीग के प्रेसिडेंट शांतनु चौधरी, सेक्रेटरी रोहित यादव उर्फ नंदू एवं ग्रैंड आसनसोल प्रीमियम लीग के ब्रांड एम्बेसडर निखिल सिंह मुख्य रूप से उपस्थित थे। 1,300, 400 के लिए, मतलब यहाँ के जो लोकल प्लेयर है, टेनिस प्लेयर, उसके लिए एक सुनहरा अवसर है। जो आसनसोल में जो लोकल बेल्ट में खेलते हैं, जिनको कुछ मतलब बड़ा लेवल पे खेलने का नहीं मिला, जिसका हम लोग लाइव टेलीकास्ट मतलब पूरा गेम का ही करने वाले हैं, वो अपना यहाँ पे आके परफॉर्म करें और एक बड़े लेवल पे खेले। टेनिस में भी बहुत सारा अवसर है, तो मतलब देना चाह रहे जी एपल के। तो ये इस टूर्नामेंट में कितने प्लेयर, कितने टीम भाग लिए हैं? इसमें टोटल हमारे आसनसोल की 10 टीम भाग ली है। और कब से कब तक ये टूर्नामेंट चलेगी? टूर्नामेंट 12 नवंबर से 20 नवंबर हम लोग आसनसोल लोको स्टेडियम में। अच्छा, कहा ये भी जा रहा है कि इस तरह का टूर्नामेंट आसनसोल में पहली दफ़ा हो रहा है, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? ये हमारा एक मतलब मोटिव है कि यहाँ के लोकल जितने लोकल प्लेयर है, बहुत सारे टैलेंटेड प्लेयर है जिनको मौका नहीं मिलता बड़े लेवल में खेलने का, तो हम लोग एक मतलब ऐसे बांकुड़ा प्रीमियर लीग, दुर्गापुर प्रीमियर लीग, पुरुलिया प्रीमियर लीग, मतलब हर जगह हो रहा है। लेकिन आसनसोल में इतना टैलेंट है जो आसनसोल में आज तक के नहीं हुआ। ये हमारा एक पहला इनिशिएटिव है, आशा करते हैं कि इससे और भी आगे कोई मतलब जितने भी यहाँ के लोग हैं इसको देखें और हमसे जुड़े, थोड़ा सा इसको ग्रैंड सक्सेस और करने का हम लोग कोशिश करें। अच्छा, कहाँ देखिए, इसमें ग्रामीण क्षेत्र भी है, हमारे शहरी क्षेत्र भी है, कुछ ग्राम पंचायत है जिसमें आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर उनके भी प्लेयर खेल रहे, इसमें जो मतलब एक टैलेंटेड जो प्लेयर है वो इसमें आगे परफॉर्म कर सकते। ये लीग 2020 है? नहीं, ये एक टेनिस टूर्नामेंट है जो 12 ओवर का खेला जाएगा, लीग कम ना होगा। एक बार हारने के बाद टीम बाहर हो जाएगी? नहीं, पर टीम इसमें मतलब लीग स्टेज का मैच होगा, उसके बाद सेमीफाइनल होगा, देन फाइनल होगा। आपका परिचय? जी, मैं नंदू यादव, रोहित यादव उर्फ नंदू यादव, आसनसोल NS रोड पर रहने वाला। जी, मेरा नाम निखिल सिंह है, मैं झारखंड से स्टेट रिप्रेजेंट किया हूँ, अंडर 19 अंडर 22, मतलब कुछ बेयर ट्रॉफी, लॉयल सिके नायडू ट्रॉफी, और अभी मैं करंट रेलवे की टीम से खेल रहा हूँ, ईस्टर्न रेलवे से और हमारे आसनसोल रेलवे से। और इस टूर्नामेंट के लिए अगर सही मायने में कहा जाए तो आसनसोल ग्रैंड आसनसोल प्रीमियर लीग एक यहाँ के जितने भी यंगस्टर्स हैं या फिर जो जितने भी टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, मैं ऑलरेडी कहीं खेल रहा हूँ और यहाँ पे इतने सारे टैलेंटेड प्लेयर्स हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, वो उन प्लेयर्स के लिए ये टूर्नामेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिसमें वो आ करके अपने प्रतिभा को यहाँ प्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे उनको आने वाले फ्यूचर में उनके लिए बहुत अच्छा होगा, जिससे उनका प्रचार प्रसार होगा कि लोग जान पाएंगे उनके बारे में कि वो उनके अंदर क्या टैलेंट है। और इस टूर्नामेंट में मेरे जुड़ने का मतलब मूल कारण यही है कि मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि एक आसनसोल बढ़िया टूर्नामेंट हो, जो कि देखिए मैं एक्चुअली ड्यूस से जुड़ा हुआ हूँ, मतलब लेजर बॉल से, तो टेनिस क्रिकेट में थोड़ा कम इंटरेस्ट था, बट जब नंदू जी और बंटी जी हमारे पास आए और बोले कि ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट है हमारे पास, तो हम बोला कि चलिए बहुत बढ़िया, चलिए टेनिस में ही सही, कम से कम प्लेयर को प्रतिभा अपना दिखाने का एक इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता है आसनसोल के जितने, तो मैं इनसे बेझिझक जुड़ गया
और ये सही मायने में आसनसोल के लिए एक बहुत इतिहास के तौर पे आप इस टूर्नामेंट को रख सकते हैं, जो कि आज ये आरंभ है और इसका आने वाले दिनों में अगर हम इसको कैरी कर सके सक्सेसफुली तो ये आने वाले दिनों में प्लेयर्स के लिए यहाँ के बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म साबित होगा खुद को रिप्रेजेंट करने का। आपका परिचय सर? जी मेरा नाम निखिल सिंह, मैं अभी करंट रेलवेज में खेल रहा हूँ और इससे पहले मैं झारखंड से स्टेट खेल चुका हूँ। सूर्योपासना का महापर्व छठ पूजा को लेकर बाजारों में पूजा सामग्री की बाढ़ सी आ गई है। जहां तक नजर जाती है वहां पूजा सामग्री ही नजर आती है, जिसे देखकर मन अपने आप आस्था की ओर मुड़ जाता है। शिल्पांचल शहर के आसनसोल, बराकर, रानीगंज, जामुड़िया, नियामतपुर, पांडवेश्वर के सभी फल मंडियों में काफी संख्या में लोग फल खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। वहीं सड़कों के किनारे फुटपाथ पर फल विक्रेता अपने अस्थायी दुकान लगाकर फल बेचते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान पिछले वर्षों की अपेक्षा फलों की कीमतों में कुछ बढ़ोतरी देखी गई है। उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल छठ व्रत करने आई एक महिला ने बताया कि उत्तर प्रदेश के बाजार भाव के हिसाब से बंगाल के बाजारों में फलों की कीमत काफी अच्छी है। यूपी में इन सभी वस्तुओं के दाम काफी ऊंचे हैं, लेकिन यहां फलों के दामों में सामान्य वृद्धि है। क्या क्या चीज़ महंगा रेट में बिक्री हो रहा है अगला साल से ज़्यादा? अभी अगला साल से थोड़ा सा ज़्यादा महंगा रेट आएगा तो हाँ। ये है केला, मार्केटिंग ये है चंदौर जाते हुए अगला साल से क्या आपको इस बार रेट ज़्यादा लग रहा है? हाँ ज़्यादा।